हे हाय एवरीवन सो इस सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज डिस्कस करते हैं सबसे पहले आता है राजा राम मोहन रॉय जिन्होंने ब्रह्मो समाज स्टार्ट किया था और जो कि ब्रह्मो समाज लेटर ऑन उसको आ, बोला जाने लगा इसके बारे में मैंने लास्ट सेशन में बात की थी इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोला जाता है ये एक मोनोथीस थे वन रिलीजन में बिलीव करते थे गिफ्ट टू मोनोथिस्ट इनकी ही एक तरह से क्रिएशन है मतलब इन्होंने लिखी है वो ये काफी लैंग्वेजेस जानते थे अरेबिक पर्शियन संस्कृत और इंग्लिश uh, बंगाली और कई सारे फॉरेन लैंग्वेजेस भी ये जानते थे इसके अलावा इन्होंने काफ़ी अपने जो बुक्स हैं बुक्स एंड ऑल हैं वो पब्लिश है, किए थे अपने जो uh, मतलब तंत्रिज्म पर भी इन्होंने अपना एक वर्क uh, पब्लिश किया था महानिर्वाण तंत्र उसको नाम दिया था जो कि हिंदू एंशियंट हिंदू लॉज को रिवाइटलाइज करने के लिए था एंड विच वाज यूज्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी टू वर्क आउट सम डिस्प्यूट्स ऑन इन जमींदारी उसके बाद 1815 में इन्होंने आत्मीय एस्टेब्लिश की थी, फिर 1817 में इन्होंने महापाठशाला हिंदू कॉलेज कोलकाता में हिंदू कॉलेज एक तरह से सेटअप किया था 1821 में एक बंगाली वीकली न्यूज़पेपर इन्होंने लॉन्च किया था संवाद कौमुदे ये पहला इंडियन न्यूज़पेपर था जो कि एडिटेड पब्लिश्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडियंस था संवाद कौमुदे याद रखना 1821 में राजा राम मोहन रॉय इन इसमें उन्होंने रिबलिब्रेशन ऑफ प्रेस को काफी ज्यादा मेंशन किया था 1822 में जो एक पर्शियन न्यूज मैगजीन थी मिरातुल तो अखबार आप मुझे ये बताना कमेंट सेक्शन में ये मैगजीन बैन हो गई थी एक एक्ट के एक अंदर एक वो एक्ट कौन सा था मेरा तो लगभग जो राजा राम मोहन रॉय की मैगजीन थी ये एटीन ट्वेंटी टू की ये पब्लिश पर्शियन न्यूज मैगजीन थी इसके अलावा उनके और जो पर्शियन वर्क गिफ्ट है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट है ऑल्सो ए डिस्कशन इन पर्शियन ऑन वेरियस रिलीजन ये ये भी एक उनका वर्क है ज्यादा गिफ्ट टू मोनोथिस्ट मेनली याद रखना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ऑल राइट right. फिर उसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट इसके बारे में उनकी जो आत्मिय सभा थी 1814 में फाइंड की गई थी और ब्रमो समाज 1828 में 1829 में वो सती प्रथा के काफी अगेंस्ट थे जिसकी वजह से फॉर्मली 1829 में सती आ, कस्टम ऑफ सती एबोलिश कर दी गई थी राइट वन गॉड में वो बिलीव करते थे 1830 में ही हैड गॉन टू इंग्लैंड एज़ एन एनवॉय ऑफ द मुगल एम्प्र अकबर शाह टू इन विदाइटल फोर राइट इनके डेथ हो गई थी 1833 में जिसके बाद ब्रमो समाज में काफी कुछ हुआ था जैसे स्प्लिट हो गया था इंडोर हेनरी विवियन डेरोजियो बस यंग बंगाल मूवमेंट से एसोसिएटेड थे हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था एटीन में एंड uh, जो कि बंगाल के बंगाल में एक तरह से जो बंगाल मोमेंट में जिसने काफ़ी एक रोल प्ले किया था हेनरी विवियन डेरोजियो के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बस इतना ही बस याद रखना यंग बंगाल मोमेंट इनका स्टार्ट किया हुआ था इनके जो फॉलोअर्स थे उनको डायवर्सियंस बोला जाता था वो रिलीजियस राइट्स के अगेंस्ट थे रिचुअल्स के अगेंस्ट थे और सोशल इवेंट्स को इराडिकेट करना चाहते थे फीमेल एजुकेशन में बिलीव करते थे और ये पहले ऐसे नेशनलिस्ट पोएट थे मॉडर्न इंडिया के काफ़ी मतलब जर्नलिज्म इनका जो था वो काफ़ी सोशलिज्म उन सबसे भरा हुआ रहता था और रेडिकलिज मतलब एक से रेडिकलिज्म जो बंगाल में शुरू हुआ था वहां पर इन्होंने काफी रोल रोल प्ले किया था हेनरी विवियन डेरोजियो ने 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 टैगोर टैगोर समाज को ज्वाइन कर लिया था इससे पहले 1839 में उन्होंने तत्वबोधिनी तो सभा भी सेटअप की थी जिसमें वो राजा राम मोहन रॉय के आइडियाज को प्रोपेगेट करते थे राइट इसके अलावा केशव चंद्र सेन केशव चंद्र सेन ने भी ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किया था एटीन में मेंबर लेटर ऑन एटीन सिक्सटी थ्री में आपको पता है कि इनको आचार्य भी बना दिया गया था बट बाद में uh, कुछ डिस्प्यूट होने की वजह से uh, जो ब्रह्मो समाज है उसमें स्प्लिट हो गया था राइट right. इनके और क्या क्या लेटर इन हिज लाइफ ही केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रामकृष्ण परमांस और एक न्यूशरी नबोबिधान इंस्पायर्ड बाई क्रिस्टैनिटी तो ये भी केशव चंद्र सेन का था जो कि क्रिश्चियनिटी और हिंदू प्रैक्टिस से इंस्पायर्ड था केशव चंद्र सेन जो है वो रामकृष्ण के, के एक तरह से डिसाइपल थे बिलीवर्स एसोसिएशन उन्होंने शुरू किया था केशव चंद्र सेन और उनके फॉलोअर्स ने सॉरी एक बिलीवर्स एसोसिएशन शुरू किया था संगत सभा जिनको बोला जाता था ये जो संगत होती थी ये छोटे छोटे डिस्कशन फोरम होते थे जिसमें कई सारे इश्यूज डिस्कस किए जाते थे वीकली बेसिस पर राइट इसके अलावा केशव चंद्र सेन जो है इंटरकास्ट मैरिज के सपोर्टर थे विडो री मैरिज के सपोर्टर थे और उन्होंने काफी सीक्रेटली इंटरकास्ट मैरिज को सेलिब्रेट किया था 1862 में एंड में स्पॉन्सर्ड अनदर इंटरकास्ट मैरिज इन 1864 सिक्सटी जिसके वजह से केशव चंद्र सेन और उनके जो डिसाइपल्स थे उन्होंने ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया अलग से बना लिया था 1866 में ये पहला स्प्लिट था ब्रह्मो समाज में बाद में इसमें भी स्प्लिट हो गया था इसको ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बोला जाने लगा और जो दूसरा ब्रमो समाज था उसको आदि ब्रमो समाज ओरिजिनल ब्रमो समाज है जो टैगोर के अंडर रहा वो बोला जाने लगा उसके बाद जो ये केशव चंद्र सेन है ये इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन से भी एसोसिएटेड थे ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है ही वाज इंस्ट्रूमेंटल बिहाइंड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन व्हिच ऑपरेटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्रूविंग द लाइफ ऑफ द पेजेंट्स

और बाकी ये जैसे 2017 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है हु फाउंडेड द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 ईश्वर चंद्र विद्यासागर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी काफी एक मतलब रोल प्ले किया था 1829 टू 1841 मेनली और उन्होंने काफी एक ट्रेसिस वो लिटरेचर इंडियन लिटरेचर वेदांता इन सब की स्टडी करने के बाद उनको विद्यासागर का टाइटल कंफर किया गया था 1839 में चेयर ऑफ संस्कृत कॉलेज ये तो छोटे मोटी चीजें इतना डेफ में नहीं आएगा आपको यूपीएससी में मेन मेन इन्होंने जो है ना स्कूल गर्ल्स के लिए स्कूल्स ओपन किए इसके एजुकेशनल रिफॉर्म इनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था स्टेटस ऑफ वुमेन इंप्रूव करने के लिए इन्होंने काम किया था इन जस्टिस के किसी भी तरीके का इन जस्टिस नहीं होना चाहिए और एजुकेशन से ही उसको रिफॉर्म किया जा सकता है वुमेन स्टेटस अपलिफ्ट करने के लिए इन्होंने काफी नेटिव बंगाल में मतलब बंगाल में काफी काम किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर फिर रामकृष्ण परमहंस का था रामकृष्ण मिशन था इनका जो कि विवेकानंद ने शुरू किया था 1897 में और रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस के जो डिसाइपल थे विवेकानंद उन्होंने ये स्टार्ट किया था राइट right. तो ये मैं आपको आ, ये स्वामी विवेकानंद के बारे में है फिर दयानंद सरस्वती का जो आर्य समाज था एटीन सेवेंटी फाइव में जो शुरू हुआ था इनका गो बैक टू बोध वेदास का स्लोगन है रो वेदाज उन्होंने आइडल वर्शिप को कम्पलीटली कंडेम किया था एंड यूनिटी ऑफ गॉड में बिलीव किया था धनायद दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज इन्होंने फाइंड किया था 1875 में इसके अलावा जो दयानंद सरस्वती थे वो हिंदू रिलीजन में अगर रिचुअल्स वगैरह होते थे उसके काफी अगेंस्ट थे उन्होंने वेदास को सही माना था इसके अलावा उन्होंने पुराणस पॉलीथिज्म आइडोलैट्री इन सब में बिलीव नहीं किया था खासकर जो प्रीस्टली क्लास का डोमिनेशन था उसको उन्होंने कंडेम किया था ही अडॉप्टेड हिंदी फॉर रीचिंग आउट टू द मासेस ही आल्सो अपोज चाइल्ड मैरिज को अपोज किया था और इसके अलावा मल्टीप्लीसिटी ऑफ कास्ट को भी अपोज किया था और ठीक है In 1886, the society opened a school with Lala Hansraj as its principal. However, some leaders of the Samaj, like Munshi Ram, Swami Shraddhanand, जो जिनका नाम है और लेक राम एटसेट्रा होने एंग्लो वैदिक एजुकेशन को आपको पता है इसमें भी स्प्लिट हुआ था एक डीएवी कॉलेज मतलब एक कॉलेज पार्टी बन गई थी एक महात्मा पार्टी बनी थी इसमें जो इन्होंने कॉलेजेस एस्टेब्लिश किया था आर्य समाज के अंदर जिसमें से कुछ सारे जो डीएवी मैनेजमेंट सोसाइटी मतलब वो जो कॉलेज कौ, पार्टी थी वो लोग ज्यादातर एक तरह से मतलब मॉडर्निज्म की तरफ चले गए थे और जो महात्मा पार्टी थी वो बेसिकली जो पहले का आर्य समाज है उसको फॉलो करते थे डीएवी ग्रुप एंड गुरुकुल ग्रुप इनको बोला जाता है बेसिकली ठीक है तो ये याद रखना कि दो विंग्स थे इसकी आर्य समाज की डीएवी विंग एंड गुरुकुल विंग जिनके मतलब काफी डिफरेंसेस थे एजुकेशन पर भी वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन पर भी और Uh, वैसे अगर आर्य समाज एज ए होल देखें तो उन्होंने हिंदू का जो इस्लाम में कन्वर्जन है उसको अपोज किया था क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन उन सबको अपोज किया था और अनटचेबिलिटी <laughs> के अगेंस्ट और कास्ट डिस्टिंक्शन के कम्पलीटली अगेंस्ट थे फिर ये प्रार्थना समाज था जो आत्मा राम पांडुरंग का था इसके बारे में मैं आपको लास्ट सेशन में बता चुकी हूँ पंडिता रामाबाई सरस्वती इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा ये पोस्ट करके उन्होंने आर्य महिला समाज फाइंड किया था और इसका मेन पर्पज था विमेन एजुकेशन को बढ़ावा देना और चाइल्ड मैरिज को अपोज करना 1882 में कमीशन अपॉइंट किया गया था टू तो लिख लुक इन टू एजुकेशन रामबाई जो थी उन्होंने काफी ज्यादा एक तरह से गिव एविडेंस बिफोर इट मतलब विमेन एजुकेशन के सपोर्ट में राइट तो इनका याद रखना आर्य महिला समाज बेसिकली और पंडित एंड सरस्वती एट बेंगोल री ऑर्गेनाइजेशन हाँ केसरे हिंद जो मेडल है केसरे हिंद उनको अवॉर्ड किया गया था 1919 में रामाबाई को पंडिता रामाबाई को उसके बाद सरोजनी नायडू इनको आप इनके बारे में काफी कुछ जानते होंगे नाइट ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है इसके अलावा मतलब ही शी वॉज ए वेरी नोटेड पोएट ना उनकी कुछ सारी पोएट्री आपने सुनी भी होंगी चिल्ड्रंस पोएम्स एंड पेट्रियोटिक पोएम्स वो बेसिकली लिखते थे और इंडियन नेशनल मूवमेंट उन्होंने ज्वाइन किया था 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल चल रहा था उस टाइम पर एंड देन शी केम इन टू कॉन्टेक्ट विद द इम्पोर्टेंट लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट राइट वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन उन्होंने एस्टेब्लिश uh, करने में हेल्प की थी नाइनटीन में और दैट्स एट मेनली ठीक है तो इतना आप याद रखिएगा 1925 का जो आ, सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का कानपुर का उन्होंने प्रिसाइड ओवर किया था एंड केसरे हिंद मेडल मैंने आपको बता दिया सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी आपको पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था गांधी जी गए थे कांग्रेस के यहाँ पे इस कांग्रेस की तरफ से एंड मदन मोहन मालवीय के साथ सरोजनी नायडू वोज ऑल्सो प्रेजेंट देयर सिविल मूवमेंट में भी शी प्लेड ए लीडिंग रोल इसके अलावा क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर शी वाज़ अरेस्टेड राइट शी वाज़ अरेस्टेड ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट दिस इज एट ये कुछ कुछ मैंने गो थ्रू करवा दिया है नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट और चीजें लेकर आएंगे थैंक्स